देखी भाई। हाँ गया हो गया। ये तो बंद कर। जय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने परिवार डाली कॉन्सेप्ट पर। एक बार सारे भाई जुड़ जाइए जल्दी से। और ओपी भाई बहुत बहुत स्वागत है, आदित्य बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। चलिए एक बार देखिए, वॉइस वगैरह सब अच्छे से आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं है। एक्चुअली में मैंने अभी पहले थोड़ी सी क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन आप लाइव आए नहीं तो मैंने कट करके फिर दोबारा से चलाया है ना। चलिए एक बार कमेंट कीजिए, वॉइस वगैरह का तो कोई इशू नहीं है ना, कमेंट करो मेरे भाई। चलिए कमेंट करो दोस्तों, वॉइस वगैरह का तो कोई इशू नहीं है। आदित्य, ओपी, जो भी भाई जुड़े हुए हैं, ठीक है, सही आवाज आ रही है अच्छे से। चलिए ठीक है भाई, देखो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों टॉपिक की। और कल हमने प्रतिशत को कंप्लीट किया था, आज हम दोस्तों टॉपिक पढ़ेंगे लाभ लाभ प्रतिशत। टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आप हर एक बात को अच्छे से सीखते चलिएगा, हर एक बात को ध्यान से सीखते चलिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन आपके एग्जाम में छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक बातों से परिचित कराऊंगा, जो बेसिक चीजें हम सीखते हैं वो बेसिक चीजें आज हम सीखेंगे, ताकि एक बार आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए सीखते हैं कुछ बेसिक बातों को, ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक होता है मेरे भाई थोक विक्रेता, कौन होता है, एक होता है थोक विक्रेता, ठीक है, एक होता है दुकानदार, एक थोक विक्रेता होता है, एक दुकानदार होता है और एक कस्टमर होता है। तीन चीजें होती हैं, लाभ हानि पूरा इसी इन तीन बातों के इर्द गिर्द घूमेगा दोस्तों। एक थोक विक्रेता है, एक दुकानदार है, एक ग्राहक है। इन तीन बातों से मैं आपको बेसिक चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से सुनते सुन चलिएगा। देखो मेरे भाई, दुकानदार जो होता है ना, वो हमेशा सामान खरीदने जाएगा, किसके पास जाएगा बताओ, सामान खरीदने ये दोस्तों थोक विक्रेता के पास जाएगा, ठीक है, और अपना सामान बेचेगा किसको, ग्राहक को बेचेगा। जब भी दुकानदार सामान खरीदेगा तो दोस्तों ये सामान खरीदेगा थोक विक्रेता से, सामान खरीदेगा, ये सामान जब भी खरीदेगा तो मेरे भाई किससे खरीदेगा, थोक विक्रेता से खरीदेगा, ठीक है। और जब भी अपना सामान बेचेगा तो अपना सामान बेचेगा किसको, ग्राहक को बेचेगा, ठीक है। तो देखो मैं मान लेता हूं कि इस दुकानदार ने इस थोक विक्रेता से एक फोन खरीद लिया, क्या खरीद लिया, फोन खरीद लिया। दुकानदार ने एक थोक विक्रेता से एक फोन खरीद लिया जिसकी कीमत थी 5,000 रुपए। इस दुकानदार ने इस थोक विक्रेता से एक फोन खरीद लिया जिसकी कीमत कितनी थी, 5,000 रुपए थी। तो देखो सबसे पहली और काम की बात क्या निकल के आती है कि भाई जब भी किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जब भी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो भाई खरीदते समय जो वस्तु का मूल्य होता है, खरीदते समय जो वस्तु का मूल्य होता है, उस मूल्य को दोस्तों हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। खरीदते समय जो वस्तु का मूल्य होता है, उस मूल्य को हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं, इसको अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जब भी किसी वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदते समय जो वस्तु का मूल्य होता है, उस मूल्य का जो नाम होता है, वो मेरे भाई क्या नाम होता है, क्रय मूल्य नाम होता है, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि दुकानदार ने थोक विक्रेता से एक फोन खरीद लिया 5,000 रुपए में, इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 रुपए फोन का कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य है। मैं कह देता कि मैंने ये जो कोट है ये 1,000 रुपए में खरीदा,
तो 1000 रुपए इसका कौन सा मूल्य होता, क्रय मूल्य होता। मैं कहता कि मैंने ये जो पेन है ये 50 रुपए में खरीदा, तो ये जो 50 रुपए होगा ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। मैं कहता कि भाई मैंने ये टोपा जो है 50 रुपए में खरीदा, तो 50 रुपए इस टोपे का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता कि मेरे छत पे जो पंखा लगा है वो मैंने 1500 रुपए में खरीदा, तो 1500 रुपए पंखे का क्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों जब भी आप किसी चीज को खरीदेंगे, खरीदते समय जो वस्तु का मूल्य होता है उस मूल्य को हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। जब भी किसी वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदते समय जो मूल्य होता है उस मूल्य को हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। मैंने कहा कि मेरे भाई दुकानदार ने फोन खरीद लिया 5000 रुपए में थोक विक्रेता से, और इसको दुकानदार ने बेच दिया, इस फोन को दुकानदार ने बेच दिया 5000 रुपए में, फोन खरीद लिया और इस फोन को दुकानदार ने बेच दिया 7000 रुपए में। मैंने कहा 5000 रुपए में फोन को खरीदा और इस दुकानदार ने ग्राहक को ये फोन 7000 रुपए में बेच दिया। तो दूसरी काम की बात ये ध्यान रखना कि लाडले भाई जब भी किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो बेचते समय जो वस्तु का मूल्य होता है, उस मूल्य को हम विक्रय मूल्य का नाम देते हैं, सेलिंग प्राइस का नाम देते हैं। जब भी किसी वस्तु को बेचा जाएगा, बेचते समय जो वस्तु का मूल्य होगा उस मूल्य को हम विक्रय मूल्य का नाम देंगे, सेलिंग प्राइस का नाम देंगे। मैंने कहा मैंने ये कोट 1500 रुपए में खरीदा और इसको 2000 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या समझे, 1500 रुपए तो इसका क्रय मूल्य है और 2000 रुपए इसका विक्रय मूल्य है। मैं कहता कि भाई मैंने ये टोपा 50 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया, तो 50 इसका क्रय मूल्य है, 60 इसका विक्रय मूल्य है। ये मार्कर 200 रुपए में बेचा गया तो 200 इसका विक्रय मूल्य बढ़ेगा। ये मार्कर 80 रुपए में खरीदा गया, अब 80 रुपए क्रय मूल्य बढ़ेगा। खरीदने का जहां जिक्र आता है वो मूल्य क्रय मूल्य होता है, बेचने का जहां जिक्र आता है वो मूल्य विक्रय मूल्य होता है। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना ना, दो बातें हम सीख चुके हैं, तीसरी काम की बात सुनिएगा दोस्तों। जब भी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य से बड़ा होगा, समझ जाना कि उसके ऊपर लाभ होगा। लाभ कितने रुपए का होगा ये निकालने के लिए वस्तु के विक्रय मूल्य में से वस्तु के क्रय मूल्य को निकाल देंगे। दोस्तों दो बातें हमने सबसे पहले जानी कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्रय मूल्य क्या होता है लाडले भाई, क्रय मूल्य होता है वस्तु को खरीदना और विक्रय मूल्य होता है वस्तु को बेचना। क्रय मूल्य वस्तु को खरीदना और विक्रय मूल्य वस्तु को बेचना। अब बात आती है कि ये लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो लाभ होगा कब होगा दोस्तों, जब कोई चीज कम दाम पे खरीदी जाएगी और ज्यादा मूल्य पे बेची जाएगी। जब आप प्रश्न करते हो तो इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हो कि यार लाभ होगा कि हानि होगी। तो याद रखिएगा, जब जब वस्तु का विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा, तो हमेशा उसके ऊपर लाभ होगा। विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो हमेशा लाभ होगा। लाभ कितने का होगा ये निकालने के लिए वस्तु के विक्रय मूल्य में से वस्तु के क्रय मूल्य को घटा देंगे। लाभ कितने का होगा ये निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। मैंने कहा ये टोपा मैंने 50 रुपए में खरीदा और 70 में बेच दिया, 50 क्रय मूल्य, 70 विक्रय मूल्य, 70 विक्रय मूल्य बड़ा है, 50 क्रय मूल्य छोटा है, तो मेरे को लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, 70 रुपए में से 50 रुपए को घटा देंगे तो 20 रुपए का लाभ हो जाएगा। पहली बात, खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य। तीसरी बात, पहली बात खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य। दूसरी बात बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तीसरी बात लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना, और विक्रय मूल्य हमेशा किससे बड़ा होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा। चौथी काम की बात सुनिएगा ध्यान से,
ये हानि क्या होती है, हानि क्या होती है भाई? चौथी बात ध्यान से सुनिएगा कि हानि क्या होती है। हानि दोस्तों तब होगी जब वस्तु का क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। अगर क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से बड़ा दिखाई देगा, अगर क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से बड़ा दिखाई देगा तो मेरे भाई हमेशा हानि होगी। क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से बड़ा दिखाई देगा तो हमेशा हानि होगी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा दिखाई देगा तो हमेशा लाडले भाई हानि होगी। हानि कितने की होगी ये निकालने के लिए वस्तु के विक्रय मूल्य में से वस्तु के क्रय मूल्य को निकाल देंगे। हानि कितने की होगी ये देखने के लिए वस्तु के क्रय मूल्य में से वस्तु के विक्रय मूल्य को निकाल देंगे। ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य में से किसको निकाल देंगे, वस्तु के विक्रय मूल्य को। दो अगली बात सुनिए, खरीदने का मतलब क्या था क्रय मूल्य, बेचने का मतलब क्या था विक्रय मूल्य। अगर ज्यादा में बेचा जाएगा तो लाभ होगा, लेकिन ज्यादा में खरीदा जाएगा तो हानि होगी। मतलब क्रय मूल्य अगर उसके विक्रय मूल्य से बड़ा दिखाई दे, समझ जाना क्या हुई है हानि। हानि कितने की हुई है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना पता चल जाएगा। मैं कहता कि मैंने ये मानकर 50 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेच दिया, 50 में खरीदा क्रय मूल्य, 40 में बेचा विक्रय मूल्य, 50 बड़ा है 40 से तो अब की बार हानि होगी। हानि कितने की होगी, 50 में से 40 घटा देंगे 10 रुपए की हानि हो जाएगी। चार बातें क्लियर होगी, उम्मीद है चार बातें आप अच्छे से समझ चुके हैं। पहली बात यह थी कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात यह थी कि भाई विक्रय मूल्य क्या होता है। तीसरी बात यह थी कि लाभ क्या होता है। और चौथी बात यह थी कि हानि क्या होती है। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये चारों बातें समझ आ चुकी हैं। कोई नहीं भाई प्रिंस भाई, कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। अब देखो अगली काम की बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगली काम की बात क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर निकालते हैं। भाई ये बात हमेशा ध्यान रखना, मां की कसम खा लो कि जब भी लाभ निकालोगे या हानि निकालोगे हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेंगे। कहने का मतलब क्या है ध्यान से सुनो, अगर आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं लाभ प्रतिशत, तो क्या करेंगे, जितने रुपए का लाभ है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे एक ही मूल्य लिखना है हमेशा, नीचे मूल्य आएगा क्रय मूल्य। गलती से भी नीचे विक्रय मूल्य को मत लिख देना, और मेरे भाई गुना कर देंगे 100 से। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा, हानि प्रतिशत निकालनी हो तो भी नीचे क्रय मूल्य ही आएगा। ये बात याद रखना भाई, हानि प्रतिशत निकालोगे तो भी जितने की हानि है वो ऊपर लिख दोगे, उसका क्रय मूल्य नीचे लिखोगे, उसका क्रय मूल्य नीचे लिखोगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो, नीचे हमेशा और हमेशा कौन से मूल्य को लिखना है, क्रय मूल्य को। लाभ निकालोगे तो जितने का लाभ है वो ऊपर क्रय मूल्य नीचे गुणा में 100। हानि निकालोगे जितने की हानि है वो ऊपर क्रय मूल्य नीचे गुणा में क्या कर देंगे, 100। हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत हो, नीचे एक ही मूल्य आता है, कौन सा मूल्य आता है, नीचे क्रय मूल्य आता है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहां पे भी क्रय मूल्य है और यहां पे भी क्रय मूल्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, कभी भी विक्रय मूल्य नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अगली बात ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, दो बातें आप छोटी छोटी और ध्यान रखनी है क्रय मूल्य के बारे में, ठीक है। क्रय मूल्य अगर कभी तुमने रुपए में निकालना हो, क्रय मूल्य अगर तुमने कभी रुपए में निकालना हो, ठीक है, क्रय मूल्य अगर कभी तुमने रुपए में निकालना हो तो क्या करना है, क्या करना है ध्यान से सुनिए। अगर विक्रय मूल्य देगा अपने को और विक्रय मूल्य के साथ दोस्तों या तो लाभ देगा या हानि देगा, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अगर दोस्तों विक्रय मूल्य के साथ लाभ दे रखा हो तो लाभ को घटा देना, हानि दे रखी हो तो हानि को जोड़ देना,
लाभ दे रखा हो तो घटा देना, हानि दे रखी हो तो जोड़ देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तुम गलती करोगे प्रश्न सोल्व करते समय, क्या गलती करोगे, लाभ को जोड़ोगे हानि को घटाओगे, लेकिन नहीं, क्रय मूल्य निकालते समय लाभ घटेगा और हानि जुड़ेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, मैंने ये मार्कर तुम्हें बेच दिया 50 रुपए में, मैंने ये मार्कर तुम्हें बेच दिया 50 रुपए में, ऐसा करने से मेरे को 20 रुपए का लाभ हुआ। मैंने तुमको 50 में बेचा तो इसका विक्रय मूल्य 50, मैंने लाभ कितने का कमाया 20 रुपए का, तो बताओ मैंने ये खरीदा कितने में, इसका क्रय मूल्य क्या था। आपको मैंने बेचा कितने में 50 में, लाभ कितने का कमाया 20 का, तो 50 में से 20 घटाना पड़ेगा, 20 लाभ है ना तो घटाना पड़ेगा, 50 में से 20 घटाओगे तो मैंने खरीदा कितने में था 30 में, पता चल जाएगा कितने में खरीदा था 30 में खरीदा था, समझ गए बात को। अगर हानि होती तो जुड़ता, मैं कहता कि मैंने तुमको ये 50 में बेच दिया तो मेरे को 5 रुपए की हानि हुई, कितने की हानि हुई 5 की, 50 में बेच दिया 5 की हानि हुई, विक्रय मूल्य 50, 5 की हानि 50 और 5 55, क्रय मूल्य 55 आता। हानि तो जुड़ती है और लाभ घटता है विक्रय मूल्य से, तब कौन सा मूल्य बढ़ता है साथियों, क्रय मूल्य बढ़ता है। ठीक है भाई, अगली काम की बात सुन लो क्या है, देखो अगर कभी भी तुमने वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना, अगर भाई कभी भी कौन सा मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो क्या करना, देखो सुनो, तो क्या करना है, तुमने जो क्रय मूल्य देगा ना वो उठा के लिख देंगे, जो क्रय मूल्य देगा वो उठा के लिख देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों लाभ है तो उसको 100 में जोड़ देंगे, लाभ को तो क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि है तो 100 से घटा देंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि है तो 100 से घटा देंगे और बटे में 100 लिख देंगे। ये वही परसेंटेज वाली बात है, परसेंटेज वाली बात है कि बढ़ेगा तो जोड़ के लिखना, घटेगा तो घटा के लिखना। 20 का लाभ है तो 120 बटे 100 लिखना, 20 की हानि है तो 80 बटे 100 लिखना। नोट कर लीजिएगा जब आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो, कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ है तो जुड़ेगा, हानि है तो घटेगी और बटे में क्या लिख देंगे भाई 100 लिख देंगे। अगली काम की बात क्या है मेरे भाई, अगर जब भी तुम कभी वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे, क्या निकालोगे क्रय मूल्य, तो क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसको गुणा करना पड़ेगा 100 से, विक्रय मूल्य दे रखा है उसको गुणा करना पड़ेगा 100 से, लाभ होगा तो नीचे 100 में जुड़ेगा और हानि होगी तो नीचे 100 से घटेगा, लाभ होगा तो नीचे 100 में जुड़ेगा और हानि होगी तो नीचे 100 से घटेगा। लाभ के लिए 100 में जोड़ते हैं, हानि के लिए 100 से घटाते हैं। जब भी हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य जो दे रखा है वो लिखेंगे गुना 100, लाभ है तो 100 में जुड़ेगा, हानि है तो 100 से घटेगी, बटे में लिख देंगे 100। क्रय मूल्य निकालेंगे विक्रय मूल्य गुना 100, लाभ है तो 100 में जुड़ेगा, हानि है तो 100 से घटेगी। ये दो चीजें ध्यान रखना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अब जो बेसिक बातें बताई हैं एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि भाई लाभ हानि की जब हम शुरुआत करेंगे तो अपन बेसिक बातों को सीखेंगे। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य होता है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता है। भाई ज्यादा में बेचेगा तो लाभ हो जाएगा, कितने का है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, ज्यादा में खरीदेगा तो हानि हो जाएगी, कितने का है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, नीचे क्रय मूल्य को ही लिखना है, हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ हानि निकलते हैं। अगली बात थी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओ, हानि को जोड़ो, क्रय मूल्य आ जाएगा। और लास्ट बात थी कि भाई विक्रय मूल्य निकालते समय लाभ हानि को ऊपर जोड़ते घटाते हैं, क्रय मूल्य निकालते समय नीचे जोड़ते घटाते हैं। ये इस टॉपिक की बेसिक बातें थी जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक सवाल समझाता हूं, फिर वैसे सवाल हम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक सवाल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुन लो। सवाल ऐसे आएगा दोस्तों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तुम मत लिखना खाली सुनना, तुम सुनना। ठीक है भाई, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य
20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दे या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर दे तो हम ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं करवाता हूं एक, फिर अगला तुम करना। ठीक है, एक मैं सिखाऊंगा फिर अगला तुम करना। देखो दो ही चीजें होती है दोस्तों, एक तो वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य। एक तो होता है वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरा होता है वस्तु का विक्रय मूल्य। देखो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो। वस्तु का कोई नाम भी लिख दे, पंखे लिख दे, नींबू लिख दे, संतरे लिख दे, अंडे लिख दे, पेन पेंसिल किताब कुछ भी लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका जो मैं बताऊं उसको ध्यान रखना। देखो तुम हमेशा है ना यहां लिखे मूल्य को देखना जिसके साथ में संख्या लिखी हुई होगी, यहां लिखे मूल्य को देखना जिसके साथ में संख्या लिखी हुई होगी। देखो यहां जो मूल्य लिखा रहता है ना और इसके साथ में जो ये संख्या है ये इसी की होती है लाडले भाई। यहां पे जो मूल्य लिखा रहता है और इसके साथ में जो ये संख्या है ये इसी की होती है। ठीक है, इसके साथ में जो ये संख्या है ये इसी की होती है। यहां क्या लिखा हुआ है क्रय मूल्य और साथ में क्या लिखा हुआ है 20। इसका मतलब है वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 है। क्या है 20। यहां पे जो मूल्य होगा और इसके साथ में जो संख्या होगी वही इसकी होगी, मतलब क्रय मूल्य कितना आएगा 20। अगर वो क्रय मूल्य अगर 20 है तो बची हुई संख्या बढ़ जाएगी विक्रय मूल्य। क्या बन जाएगी विक्रय मूल्य। बस इतना सा काम करना है, इसके साथ में जो संख्या है वो इसी की है, ये क्रय मूल्य बन गया, बाकी बचा हुआ विक्रय मूल्य। अब देखो कुछ नहीं करना, 20 में खरीदा 25 में बेचा, खरीदा कितने में 20 में, बेचा कितने में 25 में, लाभ हो जाएगा कितने का 5 का। अब लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालनी हो, नीचे हमेशा कौन सा मूल्य आएगा क्रय मूल्य आएगा। नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे 20 और गुणा कर देंगे मेरे भाई 100 से, 20 से काट देंगे 5 बार में, 5 गुना 5 25% का लाभ आ जाएगा। 25% का क्या आ जाएगा लाभ। ठीक है, अब समझ आ गया तो थम लिख साइन भेज दो या यस लिख दो, नहीं समझ आया तो बोलो कि सर दोबारा समझाओ। चलिए बताओ फटाफट से, समझ गए तो भाई अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो कमेंट कर दो मैं दोबारा समझा। चलिए फटाफट से बताइए। चलिए आदित्य भाई समझ गए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। चलिए और साथी बताओ फटाफट से, शेर मोहम्मद भाई बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ जाओ फिर आगे, बबलू यादव बहुत बढ़िया। चलिए आप कीजिएगा अब सवाल को, ठीक है आप कीजिएगा सवाल को। ठीक है, मैं लिखता हूं आपके लिए अगला सवाल, लिखिए। 60 पंखों का क्रय मूल्य, 60 पंखों का क्रय मूल्य, 60 पंखों का क्रय मूल्य 50 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 पंखों का क्रय मूल्य 50 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 60 पंखों का क्रय मूल्य 50 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए कीजिए आप, कीजिए भाई आपने बताना है इसका उत्तर, ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। चलिए बताइएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए 20 आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई, 20। चलिए 20 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बच्चों का, 20 आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया भाई। जितने भी भाइयों ने 20 दे दिया ठीक दे दिया,
बेफिक्र रहो, तुम इसका मतलब इस सवाल को सीखोगे। दो ही चीजें होंगी दोस्तों, एक तो क्रय मूल्य है और दूसरा विक्रय मूल्य है। आपने कुछ नया काम नहीं करना, यहां देखो क्या है क्रय मूल्य, साथ में क्या है 50, तो क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60, 10 का लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य को नीचे लिख देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 100 को 5 से काटेंगे, 20% का लाभ आ जाएगा। 20% लाभ जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल ठीक आ गया, 20% बिल्कुल ठीक उत्तर है, शाबाश। चलिए तीसरा सवाल लिखता हूं मैं, आप कीजिएगा दोस्तों। 12 किताबों का क्रय मूल्य, 12 किताबों का क्रय मूल्य 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 किताबों का क्रय मूल्य 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। चलिए बताओ क्या उत्तर आएगा। 12 किताबों का क्रय मूल्य 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं। चलिए बताओ आंसर क्या आएगा। बबलू का 25, आदित्य का 25, 25 क्या लाभ या हानि भी लिखो, 25% क्या लाभ या हानि जल्दी बताओ, 25% क्या आएगा, लाभ आएगा कि हानि आएगी, जल्दी बताओ भाई। चलिए जिन्होंने 25 आंसर दे दिया, बताओ लाभ है कि हानि है, जल्दी बताओ, हानि। बबलू भाई शाबाश, कल कह रहा था गणित नहीं आएगी, राज फटाफट उत्तर दे रहा है, मेरे भाई पॉजिटिव है, बेफिक्र रहे, गणित सीख जाएगा तू यार। देखो क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य के साथ में दोस्तों क्या लिखा हुआ है 16, तो क्रय मूल्य 16 आ जाएगा, बच जाएगा वो विक्रय मूल्य बच जाएगा। क्रय मूल्य 16 है किताबों का, तो विक्रय मूल्य कितना है 12, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हो जाएगा 16 में किताब खरीदी और 12 में बेची, अब की बार क्रय मूल्य बढ़ा है तो हानि हो जाएगी, कितने की 4 की, लेकिन नीचे हमेशा कौन सा मूल्य लिखना, क्रय मूल्य। अगर तुमने विक्रय मूल्य लिख दिया तो समझ लो नंबर कट गए तुम्हारे, हमेशा क्रय मूल्य आएगा नीचे, नीचे हमने क्रय मूल्य लिख दिया 16, गुणा कर देंगे दोस्तों 100 से, 4 चौक 16 और 100 को 4 से काट देंगे, उत्तर आ जाएगा भाई 25% उत्तर आ जाएगा, ठीक है 25 जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखता हूं मैं, कीजिएगा। 5 संतरों का विक्रय मूल्य, 5 संतरों का विक्रय मूल्य, 5 संतरों का विक्रय मूल्य 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं। चलिए ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा बदल दिया है अब की बात। चलिए बताइए, आदित्य भाई कह रहे वीडियो नहीं चल रही है, चालीस परसेंट हानि, शाबाश बबलू भाई बहुत बढ़िया, बबलू भाई फोन में आ चुका है। देखो भाई दोस्तों आसान सवाल है, दो ही चीजें होंगी, एक तो वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय, दो चीजें होंगी, एक तो वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक तो वस्तु का क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य। यहां पे देखो क्या है, अरे यहां पे क्या है देखो एक बार, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 3, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा 5, मतलब 5 में संतरे खरीदे और 3 में बेच दिए, 5 में संतरे खरीदे 3 में बेच दिए, तो भाई 2 की हानि हो जाएगी, नीचे क्रय मूल्य आएगा और गुणा में कर देंगे 100, 5 से काट देंगे 20 बार में, 20 गुणा 2 कितना आ जाएगा 40, 40% की हानि आ जाएगी, ठीक है भाई 40। चलिए एक लास्ट सवाल लिखता हूं मैं, ठीक है लास्ट लिखता हूं, गलत मत करना, ठीक है। चलिए आप बताइएगा,
चार पेन का विक्रय मूल्य, चार पेन का विक्रय मूल्य दो पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, दो पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। चार पेन का विक्रय मूल्य दो पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। चलिए बताइए भाई, बताओ क्या उत्तर आएगा। पचास पचास, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से दे दो सारे भाई उत्तर। दो ही चीजें होगी दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पचास आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया भाई? पचास। शाबाश, देखो ये तो हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य कितना? दो। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? चार। चार की चीज दो में बेच दी तो दो की आनी नीचे क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे सौ, दो से काट देंगे दो बार, सौ को दो से काट देंगे पचास बार, 50% हानि जिन्होंने दिया है बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, चलिए और बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ये एक टाइप का सवाल मैंने कराया है, इसको ध्यानपूर्वक आप कर लीजिएगा और कल की क्लास में मैं फिर से करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो जो भी साथी जुड़े सभी का भाई धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, बेफिक्र रहिए। जय हिंद जय भारत।